तो मक्का टावर के साथ चाय भी अच्छी थी मगर एक्सपेंसिव थी, और व्यू भी बहुत खूबसूरत था, और कॉफ़ी शॉप भी बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। इसकी डेकोरेशन बहुत ही प्यारी थी, यानी कि मक्का के माहौल से हट के बना हुआ था। क्या आप कह सकते हो हम यूरोप के किसी कॉफ़ी शॉप पे आ गए हैं, क्योंकि ये सऊदी टच इसके अंदर बहुत कम था। केक भी इनके बहुत ही मज़े के थे, और हमने ये नहीं कि आप जी काउंटर पे आके अपने ऑर्डर देंगे, आप कुछ सेल्फ सर्विस है, लेकिन अच्छा है इनका। इस वक्त इसलिए खाली है, रात के 2 बजे का टाइम है, और फिर भी लोगों का आना जाना लगा हुआ था। ज़ाहिर है मस्जिद में इबादत करने के बाद जब आपको थकावट हो जाती है, तो फूड कोर्ट के ऊपर ये बना हुआ है कि आप मक्का टावर के साथ जब आते हैं तो इधर जहाँ पे KFC के AFC के ऊपर है, मैकडोनल्ड्स के ऊपर, ये हमारी अब चाय आ गई है। और इस चाय का ये मज़ा है कि चाय गर्म रहती है। हमें लगा ये बखूर बीच में इन्होंने डाल दिया है, हम सब उठा उठा कर चेक कर रहे थे कि अभी तक खुशबू नहीं आ रही इसमें से, क्योंकि धुआं हल्का हल्का आ रहा था, हमें लगा शायद बखूर डला हुआ है। और ये मेरे छोटे से बेटे ने जब हाथ लगाया, वो इतना गर्म था, बेचारे का हाथ ही जल गया। आई देखा, आई बेचारा। हम इंतज़ार कर रहे थे, चाय अभी तक नहीं आई, लेकिन चाय का एक अपना ही मज़ा था। थकावट उतारने के लिए बहुत ही अच्छी चाय थी। हमें पाकिस्तानियों को आदत है बड़े कप में जब तक चाय ना पिए तो थकावट नहीं उतरती, छोटे ही कप में अच्छी सी चाय पी ले आपकी थकावट उतर जाएगी। लेकिन बिल्कुल व्यू सामने नज़र आ रहा है माशाल्लाह कि बिल्कुल इधर आप टेबल, हमें वहाँ पे टेबल नहीं मिला क्या, वरना उधर बैठ के पीते तो हमें हरम का भी सारा व्यू नज़र, क्योंकि अब तो वैसे भी खाली जगह हो चुकी हुई थी कि 2 बजे का टाइम है, लोग उठ के चले गए हुए थे। अरे केक तो किंडर और कहते ना बोम्बो, ये सब चीज़ें तो बच्चों की फेवरेट होती हैं। चलें ये तो पहले ये कैटल के लिए इसने इसको ऑन किया, अब ये हमारे लिए बखूर डालेगा। उसकी एक अपनी खुशबू है सऊदी की, कहते हैं ना स्पेशलिटी है कि ये खुशबू होना ज़रूरी है। आप किसी भी मॉल के अंदर एंटर होते हैं, हर जगह यही खुशबू आ रही होती है। अच्छा, इस चाय का ये मज़ा था कि हम जितनी देर बैठे रहे हैं, आखिरी कप तक चाय हमें गर्म मिली है। कॉफ़ी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी कि मैं कहूँ कि कॉफ़ी भी बहुत मज़े की थी। वो हमने एक कॉफ़ी ली थी और बाकी हमने 3 चाय ली थी, क्योंकि बच्चे तो चाय पीते नहीं हैं। और ये देखिए अब कॉफ़ी जो है डालने के लिए भी कितना मज़ा आया। चलें पहले हम चाय डालें, अपनी अपनी चाय पिए, और जिसने कॉफ़ी पीनी है वो कॉफ़ी पिए, और मैं अपनी चाय और कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। आपका भी जब भी कभी चक्कर लगे तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर चाय पीने के लिए। मैं आपको पहले ही बता दूँ, है थोड़ी एक्सपेंसिव मगर है मज़े की। अल्लाह हाफिज़।